हेलो दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय उड़ान के बारे में सबसे जरूरी खबर यह है। यूएई यूनाइटेड अरब एमिरेट्स यानी दुबई ने एक नया नियम लागू किया है। 23 जून से भारत के नागरिक दुबई के लिए यात्रा कर सकते हैं। अगर आपको भी दुबई जाना है तो जो रिटर्न यानी छुट्टियों पर आए हैं, जिनके पास कंपनी का कार्ड है, पीआर कार्ड है, वे आसानी से यात्रा कर सकते हैं। दुबई के मुताबिक अगर आप कोविशील्ड के दोनों डोज लगवा लिए हैं तो आपको एयरपोर्ट पर अधिकारियों द्वारा क्लियरेंस मिल जाएगा। जिनको कोविशील्ड का फर्स्ट डोज लगा है, दूसरा डोज बाकी है, उसे 28 दिन के बाद 29वें दिन को अपने प्राथमिक हॉस्पिटल, तहसील या जिले के चिकित्सा अधिकारियों को अपना पूरा डिटेल बताकर सेकेंड डोज लगवा सकते हैं। ऐसे में कोविशील्ड का सेकेंड डोज 84 दिन में लगता है, लेकिन भारत सरकार ने विदेश जाने वाले लोगों को छूट दिया है कि वे 28 दिन बाद दूसरा डोज लगा सकते हैं। दोस्तों, कोविशील्ड के सेकेंड डोज के लगवाने के समय तक इंडिया टू दुबई का फेयर भी 8,500 के आसपास हो जाएगा। फिलहाल इस समय इंडिया टू यूएई का फेयर 5 लाख से लेकर 3 लाख तक इकोनॉमिक क्लास का है। दुबई ने भारत समेत नाइजीरिया, साउथ अफ्रीका देशों से आने वाले अपने निवासियों के लिए यात्रा प्रतिबंधों में ढील दे दी है। इन लोगों को यूएई द्वारा स्वीकृति टीके को दोनों खुराक लेनी होगी। गल्फ न्यूज के मुताबिक दुबई में संकट एवं आपदा अधिकारियों की सर्वोच्च समिति ने दक्षिण अफ्रीका, नाइजीरिया और भारत से आने वाले यात्रियों के संबंध में दुबई के यात्रा प्रोटोकॉल को अपडेट करने की घोषणा की। भारत से दुबई आने वाले ऐसे यात्रियों को केवल वैध वीजा की आवश्यकता होगी। अगर आप भी यूएई के लिए ट्रेवल करना चाहते हैं तो यूएई की सरकार द्वारा अप्रूवल वैक्सीन लगवाना चाहिए। इन्होंने 4 वैक्सीन का लिस्ट जारी किया है। फर्स्ट वैक्सीन है ऑक्सफोर्ड एस्ट्रेजेनेका, जिनको भारत में कोविशील्ड के नाम से जाना जाता है। एस्ट्रेजेनेका को सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया मैन्युफैक्चर करती है। सेकेंड वैक्सीन है सिनोफार्मा, बीजिंग इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजिकल द्वारा बनाया गया है। थर्ड वैक्सीन नेम है फाइजर एंड बायोनोटेक वैक्सीन, एक अमेरिका मल्टीनेशनल बायोटेक्नोलॉजी कंपनी द्वारा बनाया गया है, जिसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क सिटी में है। इनके CEO हैं चार्ल्स फाइजर। फोर्थ और लास्ट वैक्सीन का नाम है स्पुतनिक वी वैक्सीन, रूस देश के गमालिया रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा बनाया गया है। लास्ट तीनों वैक्सीन नाइजीरिया और साउथ अफ्रीका में अवेलेबल है, जबकि कोविशील्ड भारत में अवेलेबल है। वैक्सीन के दोनों डोज लगने के अलावा आपके पास 48 घंटे से ज़्यादा पुरानी RT-PCR की निगेटिव रिपोर्ट नहीं होनी चाहिए। निगेटिव रिपोर्ट पर आपके पासपोर्ट डिटेल्स, डेट ऑफ बर्थ का डिटेल्स, QR कोड भी मेंशन रहना चाहिए। अगर आप भी UAE के लिए ट्रेवल करना चाहते हैं तो मान्यता प्राप्त लैब से ही टेस्ट कराएं और निगेटिव रिपोर्ट पाएं, और वहाँ के स्टाफ से बता दें कि मुझे दुबई की फ़्लाइट है, ताकि वे पासपोर्ट डिटेल्स और भी बाकी डिटेल्स मेंशन कर दे रिपोर्ट में। मैं आपको कोविशील्ड वैक्सीन प्रीफर करूंगा, जो भारत के हर कोने में अवेलेबल है। ये दोनों डोज लगे होने के बाद ही यात्रा की तैयारी करें, अन्यथा नहीं। एक कोवैक्सीन नाम का वैक्सीन है जो भारत के कुछ ही जगह अवेलेबल है। इस वैक्सीन को ना लगवाएं, ये अभी WHO ने इसको मान्यता नहीं दिया है। भारत के हर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कोविड टेस्ट लैब अवेलेबल है। मैं आपको प्रीफर करूंगा कि अपना RT-PCR और एंटीजन का टेस्ट अपने अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट से ही कराएं, क्योंकि ये मान्यता प्राप्त लैब है। ये 24 आवर्स ओपन रहता है और आपको RT-PCR की रिपोर्ट 6 से 8 घंटे में मिल जाता है, जिसका चार्ज है 800 पर पर्सन, और वही एंटीजन का रिपोर्ट 10 से 15 मिनट में मिल जाता है, जिसका चार्ज है 1200 पर पर्सन। RT-PCR और एंटीजन, ये दोनों का रिपोर्ट सभी एयरलाइंस या कंट्रीज नहीं मांग रही हैं, लेकिन KLM फ्लाइट ये दोनों रिपोर्ट्स मांगती हैं। ये सभी इमेजेस और वीडियोज इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट टर्मिनल 3 दिल्ली एयरपोर्ट इंडिया का वर्तमान समय का है। आप टेस्ट कराने के लिए IGI टर्मिनल 3 पर पहुंच जाएं, वहां बैठने का एरिया काफ़ी ज़्यादा है, बाकी चेयर एरिया भी अवेलेबल है। अगर आपको एंटीजन टेस्ट कराना है तो आपको डिपार्चर पर गेट नंबर 2 के सामने रेट रैपिड एंटीजन टेस्टिंग का लैब है,
जो आप यहाँ पर 10-20 मिनट वेट करके आप रिपोर्ट पा सकते हैं। वहीं आरटीपीसीआर का लैब 2 मंथ पहले डिपार्चर गेट नंबर 8 पे था। काफी रश होने के कारण इसे पार्किंग में भेज दिया गया है। आप पार्किंग में जाने के लिए इस लिफ्ट से 1 नंबर प्रेस करके आप पार्किंग में जा सकते हैं। वहाँ लैब अवेलेबल है। ये आपका लैब है, यहाँ से आपको फॉर्म लेना पड़ेगा, फिर आपको फिल करके आपको सैंपल देना है। उसके बाद यहाँ बैक साइड में 6 से 8 घंटे वेट कर सकते हैं, या फिर पास में कैफ़े है। और अगर आपको होटल लेना है तो प्रीमियम प्लाजा का होटल अवेलेबल है, जो वाईफाई फूड्स रूम उचित रेट पर मिलता है। या तो आप यहीं से एयरपोर्ट मेट्रो एक्सप्रेस से अपने दोस्तों या रिश्तेदारों के यहाँ जा सकते हैं। इसके अलावा आपको किसी भी देश से संबंधित या अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय फ्लाइट की जानकारी चाहते हैं तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और भारत और गल्फ देशों से कोई भी नया मैसेज आता है तो मैं आपको इस चैनल पर अपडेट मिल जाएगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।